मैंने कहा ग्रीनरी इंजॉय करते हैं। जब यहाँ से निकल रहा था तो इसकी हिस्ट्री जो घोड़ी पाल मुरब्बे की है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और ये छोटे भाई थे, सब इंजॉय कर रहे थे, बैठे थे, गपशप लगा रहे थे, क्योंकि जब अपनी अपनी ड्यूटी से या कामों से ये आ जाते हैं तो इसके बाद ये शाम को तकरीबन यहाँ बैठ जाते हैं। ये गांव के बाहर कहीं भी जैसे स्नोकर के अड्डे पर चले गए, यानी ये जो गांव की रूटीन होती है, शाम सुबह जब अपने घरों को लौटते हैं तो सारे दोस्त ज्वाइंट इकट्ठे होते हैं, गपशप लगाना। गाँव की नहीं, शहरों में भी ये अक्सर होता है, लेकिन गाँव की रूटीन थोड़ी सी डिफरेंस होती है। किसी डेरे पर बैठ गए, बाहर इंजॉय करने निकल गए, या ग्रीनरी देखने चले गए, या किसी के अमरूद के बागों में चले गए, या कहीं और जगह इंजॉय करने चले गए। तो लो तो जनाब, ये है जी सारे गांव का माहौल, हमारे पिंड का माहौल जी, बड़ा ही सोहना तो खूबसूरत माहौल। जरा तुम इस टाइम यद व्यू देख रहे हो, घोड़ी पाल मरबे का व्यू आ, तो ये व्यू तो यदि हिस्ट्री उम्मीद करता जी तुम मैं दसागा तुम पसंद आएगी। पहले तुम यदा व्यू वेखो कैसा लग रहा तुम, तो मैं कमेंट्स बॉक्स भी दसना कि तुम यह मेरे पिंड का घोड़ी पाल मरबे का व्यू कैसा लगा। तो आज इसकी हिस्ट्री जो है वो मैं आपसे उर्दू में शेयर करता हूँ। ये बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं जी, अच्छे दोस्त भी हैं, हाई कर रहे हैं जी। तो इसकी हिस्ट्री मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ कि घोड़े का शुमार बड़े ही ममालिक जानवर में होता है और ये अपनी तेज़ रफ्तारी और ताकत की वजह से जाना जाता है। इंसानी तारीख में इसका बड़ा अहम किरदार अदा किया है और इंसान इसको सफ़र, ज़रात, जंग और खेलों वगैरह के लिए मकासद के लिए इस्तेमाल करता आया है। घोड़ा दुनिया के हर इलाके में पाया जाता है और एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 60 मिलियन के करीब घोड़े हैं। एक घोड़े का वज़न जो है वो 400 से 500 केजी के दरमियान है और बताया जाता है कि इसकी आंखें इस कदर महारत और खूबसूरती अल्लाह ताला ने बनाई है कि ये एक वक्त में आगे भी देख सकता है और पीछे की जानब भी देख सकता है, ये तो बताया जाता है जी। अब इसके मतलब जो हिस्ट्री है घोड़ी पाल मुरब्बे की वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जो मैंने सुना है बड़ों से वो इसके मतलब इसकी हिस्ट्री यही है कि अंग्रेज़ दौर में ही घोड़ी पाल मुरब्बे का जो था वो आगाज़ हुआ था और अंग्रेज़ आपको जो था वो एक घोड़ी देता था और उसके इवज़ जो 25 एकड़ ज़मीन भी, यानी कि एक मुरब्बा ज़मीन भी दी जाती थी कि आपने जो घोड़ी की जो है वो देखभाल करनी है और उस घोड़ी के इवज़ आप 25 एकड़ ज़मीन को जो है वो उसमें आप सारा कुछ उगा सकते हैं। तो उसमें से उस घोड़ी में से जो बच्चे होते थे तो वो ले जाया करते थे और वो उनकी परवरिश खुद करते थे उस, और घोड़ी वो जो था वो ज़िम्मेदार उसी के पास रहती थी। और आज भी गांव में दो दो तीन तीन मुरब्बे जो एकड़ ज़मीन है वो इसी घोड़ी पाल मुरब्बे से ही जानी जाती है और उसको घोड़ी पाल मुरब्बा ही कहा जाता था भी और है भी। और उस घोड़ी के में से 5, 6, 7, 8 या जितने बच्चे होते थे वो गवर्नमेंट खुद ले जाया करती थी और जब वो बूढ़ी हो जाती तो वो आपको एक अदद नई घोड़ी जो वो दे दिया करते थे। तो ये सारा मुरब्बा जो आप देख रहे हैं ये घोड़ी पाल मुरब्बा ही है और आज भी इसी ज़मीन, इसकी जो ज़मीन है ओनर जो है वो गवर्नमेंट है और जो आपको देखभाल के लिए दी जाती थी आज भी उन लोगों के नाम पे ये ज़मीन पाई जाती है। तो ये आज सारी हिस्ट्री जो थी वो मैंने घोड़ी पाल मुरब्बे की आपके साथ शेयर की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और इसकी हिस्ट्री काफ़ी पसंद आई होगी। जी बाग बहुत खूबसूरत है और देखें जी आप, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ्रूट्स लगा हुआ है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुशोकरम रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिए। आज मैं जी गांव में विज़िट करने के लिए आया था, उसकी ग्रीनरी देखने के लिए, गांव का शाम का माहौल देखने के लिए। बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है और ख़ासतौर पर हमें तो गाँव का माहौल बहुत ही अच्छा लगता है। आपको भी आज मैं गाँव का माहौल विज़िट कराऊँगा और इससे पहले जो आपको मैंने घोड़ी पाल मुरब्बा था वो भी मैंने दिखाया, तो बाग में चलकर मैं दिखाता हूँ माहौल कैसा है, बड़ा ही खूबसूरत है। तो गाँव में जो है
ग्रेट फ्रूट जी, ग्रेट फ्रूट आपको पता है बहुत ही विटामिन इसमें पाए जाते हैं। तो आज गांव में हमारे एक छोटा सा बाग बाहर है, तो आपको मैं उसके अंदर लेके चलता हूँ। कैसा है जी ग्रेट फ्रूट, पके हुए हैं या नहीं पके हुए हैं, आज आके हम सारा कुछ देखते हैं। आइए मेरे साथ आइए जी, कैसा लग रहा है गाँव का माहौल। लेकिन जैसे जैसे गर्मी आती है वैसे वैसे ही ग्रेट फ्रूट जो है वो पक जाते हैं। लेकिन अभी चूँकि बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में ग्रेट फ्रूट कच्चे होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा खट्टे सौर होते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ग्रेट फ्रूट कैसे हैं। काफ़ी ये अभी बड़े हो चुके हैं, ये देखें इसके अंदर, ये देखें एक आपको वैसे तोड़कर भी दिखाते हैं कैसा होता है। मैं देखता हूँ तोड़ा जाता है इसके अंदर, लेकिन जो है भाई साहब बहुत ही खट्टे होते हैं। ये देखें होते तो रेड ही हैं, ये अंदर से रेड भी हैं। और अभी तो खैर कच्चे हैं जी, इनके अंदर उतना पानी भी नहीं है जितना लिक्विड इसके अंदर होना चाहिए। बाग जी काफ़ी बड़ा है और वो लास्ट तक मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें ये सड़क है, वो लास्ट तक ये बाग ही बाग है। ये बाग का जो बैरूनी हिस्सा है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। बादलों ने फिर दोबारा जो बसेरा है साहिवाल में कर लिया है जी। ऊपर आप देख रहे हैं जी, बारिश का मौसम हो सकता है फिर स्टार्ट हो जाए। चले जी, ये तो खुदा की बहुत बड़ी रहमत है जी, अगर आ जाए तो वेलकम जी, ना आए तो फिर भी ठीक। लेकिन बारिश आप देख रहे हैं जी होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है। बादलों ने ऊपर बहुत ज़्यादा जो है बसेरा कर लिया है जी। आप देख सकते हैं परिंदे भी हर तरफ चहचहा रहे हैं और शाम का मंज़र सूरज ढल रहा है जी, बहुत खूबसूरत लग रहा है जी। मैंने जूम करके दिखाया था, अभी आपको दूर से दिखाता हूँ। अभी और जूम करके दिखाता हूँ जी, जूम करूँ तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैंने वैसे स्टेटस के लिए एक दो पिक्स भी इसकी बनाई हैं जी। क्या ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है जी सूरज। अगर आपको ये मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरा चैनल इरफान भट्टी व्लॉग्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल इरफान भट्टी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।